देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मे आई कम इन मैम? मैत्री जी आप? जी। आप लेट हो गए, पीटीएम तो खत्म हो गया, आप नेक्स्ट पीटीएम में आइएगा। अरे अरे, परमिशन लेके आए हैं प्रिंसिपल मैम से हम। प्रिंसिपल मैम आइए ना, बैठिए। आ रहे हैं पर आप इतना क्यों घबरा रही है? वैसे तो बच्चे डरते हैं टीचर से आज। टीचर कैसे? वो घर जाना था ना सर, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं, छोटा सा काम है बस। ये नंदिश की जो एनुअल डिटेल्स है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है मैम। ये जो मदर के नेम वाला कॉलम है ना, उसमें गलती से नंदिनी तिवारी लिखा है, उसमें मैत्री तिवारी लिखना है। अरे आप ही ने नंदिश की मम्मी को कहा कि उसकी माँ तो मैत्री है, तो मेरा नाम होना चाहिए ना। आज आपके साथ मिसेस तिवारी नहीं आई, मेरा मतलब है नंदिश की मदर। ये देखिए स्कूल डायरी में माँ वाली जगह पे मैत्री तिवारी लिखा है। ठीक है, मैं करवा दूंगी। वेरी गुड। और मैम ये भी आप रख लीजिए, वो क्या है, शायद पिछले साल आपने किसी बच्चे को पास कराने के लिए पैसे क्या होते सचिन? रिश्वत, रिश्वत, रिश्वत ली थी आपने और आपके हस्बैंड के अकाउंट में जमा कराए थे पैसे, ही उसका बैंक स्टेटमेंट है। आप रख दीजिए, हाँ संभाल के किसी के हाथ लग गया तो। हाँ ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपके पास कहाँ से आई? दीदी कितना टाइम लगा दिया, कहाँ है? ये जो इलीगल काम करवाते ही रहते, जो इलीगल काम करवाती रहती है ना मुझसे, ये हैक वो हैक, किसी दिन खुद के बाप से अरेस्ट कराओगी मुझे। कितना टाइम वेस्ट करता है, देना। ये लो। ये टीचर के हस्बैंड का ही है ना? हाँ हाँ, उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन हाईलाइट भी किया है मैंने, देख लो। हाँ। और सुन, किसी अच्छे काम के लिए कुछ गलत करो ना तो महादेव जी माफ कर देते हैं। महादेव जी श्योर? डीएसपी दिनेश मिश्रा? आई डोंट थिंक सो। चल वो टीचर चली जाएगी। चलो चलो चलो। आप ही सोच के बताइए इसके साथ क्या करना है, या फिर मैं इसे प्रिंसिपल मैम को दे दूं। ओहो सचिन, ये तो सोच में पड़ गई। सोचने देते हैं इन्हें, काम करते हैं, हम प्रिंसिपल मैम को दे देते हैं, फिर वो सोच के बताएंगे इसके साथ क्या करना है। ऑल क्लियर, चलो चलो। रुकिए रुकिए मैम, एक मिनट रुकिए मैम, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं आपको बताती हूँ ना, सब बताती हूँ, आइए बैठिए। ठीक है मैम, एक लेडी ने मुझे कहा था कि नंदिनी जी के सामने नंदिश की मदर आपको बताने के लिए। नाम? नाम, नाम वसुंधरा, वसुंधरा राठौर नाम है उनका। बहू हाँ, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोनों को कोई चोट नहीं लगी, बस देख सब लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, चल खुद भी खाना खा और अपने बेटे को भी खाना खिला। पर ताई जी, अपनी नकली माँ के हाथ से नहीं खाएगा ना वो खाना, माँ किसी और को भूलता है, उसी से प्यार करता है, उसी की सारी बातें सुनता है। ताई जी, कोमा से बाहर क्या मैं यही सब देखने के लिए आई हूँ? हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन बहू सच बात तो यह है कि इस सब चीज में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हाँ तुम इन्हें दोस्त 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 कह कह के उस मैत्री को अपने कपाल पे बिठा लिया था। अरे हम तो उस दिन भी उसे घर से बाहर निकालने ही वाले थे ना, तुमने खुद ही उसे रोक लिया घर के अंदर। चलो कोनो बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो चाहे ना हो, तुम्हारी सोना ताई हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। तुम देखना बहुत जल्दी हम दोनों मिलके इस मैत्री को अपने घर से बाहर खदेड़ दें। ओफो क्या नया ज्ञान दे रही हैं आप इसे, एक्सीडेंट होते होते हुए बचाओ इसका,
आराम की जरूरत है नंदू को, आराम करने दीजिए। हम तो इसे खाना खिलाने के लिए बुलाने को आए थे। देख के बड़ी खुशी हुई कि आप में कम से कम इतनी अकल तो है कि अपनी बिटिया के लिए खाने की थाली ले आई। नंदू तू खाना खा और अपनी सेहत का ध्यान रख बहू, और हम और तू भूलना नहीं, हम तेरे साथ। नंदू बेटा, बेटा ये तुम्हारी पेशेंस का टेस्ट है अभी, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। हाँ, आशीष और मैत्री ने अपनी एक दुनिया बना ली है, उसमें तुमने एंट्री करके ना उन्हें थोड़ा सा सरप्राइज कर दिया, दिक्कत हो रही है उन्हें, लेकिन कुछ शौक तुम्हें भी लगेगा, बट गुस्से में रिएक्ट मत करना जैसे तुमने आज किया था। बेटा तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कौन है मेरा तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में, बताओ। जस्ट बी केयरफुल बेटा ना। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे भी यही लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आप और एक नंदिश, जो मेरे अपने। मम्मा आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी ना? कॉज बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मम्मा आप तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे नंदिश भी अपने पास चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। वो भी हो जाएगा, पहले तुम खाना तो खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें, चलो कमॉन। नंदिश नंदिश, कब मेरी बेटी का पीछा छूटेगा इससे? Are you sure? हाँ सर, 200% श्योर हूँ। ये देखिए सर, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया है। नंदिश की मदर के सामने कहना कि नंदिश की मदर मैत्री है, इतना कर दो तुम्हारे हस्बैंड का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सेटल करवा दूंगी। लॉयर वसुंधरा सिंह राठौड़, स्क्रीनशॉट ले इसका। मैं सच बता रही हूँ मैम, मुझे सच में नहीं पता उन्होंने ये क्यों करवाया। बस मेरे हस्बैंड का एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिनको रिजॉल्व कराने के लिए उन्होंने वादा किया था, वो बड़ी लॉयर है तो मैंने उनका काम करने के लिए हाँ कर दी। मैम प्लीज ये फाइल प्रिंसिपल मैम को मत दीजिएगा, मैम मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज मैम। ठीक है, वसुंधरा आंटी, वसुंधरा सिंह राठौर, इसका मतलब वो अब भी वैसी ही है जैसे 6 साल पहले थी, बस अच्छा होने का दिखावा कर रही है। ये बात मुझे आशीष और नंदू को बतानी होगी, जैसे वो कोर्ट से वापस आएगा उससे बात करूंगी और उसे बताऊंगी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें नंदू की कोई गलती नहीं, ये सब किया धराया उसकी मम्मी का है, वसुंधरा सिंह राठौर का। ओफो, मैं तो बोर हो गया, मैंने कहा था जल्दी करेंगे, आई नहीं, फोन होता तो फोन लेके कॉल कर लेता। वाओ रेसिंग गेम, सो मच फन। नंदिश बेटा आप खेलोगे? नो नो, माँ सेज मोबाइल पे खेलना नॉट गुड, आइस के लिए वेरी बैड। नंदिश बेटा ऐसा तो नहीं होता, थोड़ी देर के लिए तो आप गेम खेल सकते हो, इट्स फाइन। वैसे आपको पता है मैं औरों की मम्मी जैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, आई एम वेरी कूल जस्ट लाइक यू। तो एक काम करते हैं, मम्मा और बेटा ना दोनों वीडियो गेम खेलते हैं, आप मुझे बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है, ठीक है? ये वाला? नहीं ये वाला।
फेवरेट है, बट प्रॉमिस माँ को नहीं बोलोगी? हाँ बेबी, मैं आपकी माँ सी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। वैसे भी वो बहुत खड़ोसी है ना, आपको एंजॉय भी नहीं करने देती। तो उन्हें छोड़ो, आप ना मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे अपना फ्रेंड बना लो, तो मैं आपको पार्क भी लेके जाऊंगी और वीडियो गेम्स भी खिलाऊंगी और बहुत सारी आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। हाँ लो, गेम खेल लो। राहुल, प्रणव दोनों के पास फोन है, बस मेरे पास नहीं है। ओ कोई बात नहीं, अब से आपके पास फोन होगा। आपको जब भी गेम खेलना होगा ना, आप मुझे बताना, मैं आपको अपना फोन दे दूंगी और मैं आपको खेलने से मना भी नहीं करूंगी, ठीक है? प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। अब आप जल्दी से एक गेम खेलो, उसके बाद मम्मा और बेबी दोनों बाहर घूमने जाएंगे। एक गेम से क्या होगा, मैं तो मैनी राउंड्स खेलूंगा। नंदिश बेटा, अब चले बाहर घूमने? नो नो, अभी तो न्यू राउंड स्टार्ट हुआ है। नंदिश बेटा, अब आपका हो जाएगा ना, तो आप ये रूम में आ जाना, फिर मम्मा और बेटा बाहर चलेंगे। ओके ओके। आशीष, तुम अपने फोन का कुछ करो, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अब जल्दी से घर आओ, मुझे कुछ नंदेश, बेटा ये फोन किसने दिया आपको? माँ, घर आने में आपने बहुत लेट कर दिया, प्लीज दूसरा गेम लगा के दो ना, ये फिनिश कर दिया मैंने। अच्छे, तुम पहले मुझे ये बताओ, फोन किसने दिया आपको? नकली माँ ने दिया है, कहा कि मैं कभी भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे चलाना ही नहीं आता है। ये दो मुझे। मेरी जान, आपको पहले भी बताया था ना मासी ने, नकली वर्ड इज अ बैड वर्ड, नहीं बोलते, बैड मैनर्स। कि नंदु बच्चे को बिगाड़ देगी ऐसे तो। अच्छा अब ये फोन बस हो गया, ठीक है? कब से आपकी आंखें एक्सपोज है ना स्क्रीन से, फिर आंखें और वीक हो जाएंगी, और भी मोटा चश्मा लगाना पड़ेगा। माँ देखो आपके पिक। क्या ये सारे फोटोज नंदू के पास कैसे आए? ओ देखो मैं भी हूँ। ये तो पिछले 6 साल की फोटोज है, ये किसने ली और नंदू के पास कैसे आई? न जाने वकील साहब ने कितनी रातें तेरी याद में काटी। हाँ, ये आइडिया तो उसी को होगा ना, जिसने आशीष के साथ दिनों रात गुजारे हों। मैम, एक लेडी ने मुझे कहा था कि नंदिनी जी के सामने नंदिश की मदर आपको बताने के लिए। नाम? वसुंधरा, वसुंधरा राठौर नाम है उनका। वसुंधरा राठौर, मुझे अपनी नंदू को वसुंधरा आंटी का असली चेहरा दिखाना ही होगा। अब समझ आ रहा है उसके कड़वेपन का कारण। नंदिश बेटा, मैं त्रितु है, मुझे लगा नंदिश अपनी माँ के पास आ गया। मैं बुला कर आती हूँ उसे। नहीं नहीं मैत्री, वो मेरे फोन में गेम खेल रहा है, उसे रहने दे, वो बिजी है। आफ्टर ऑल मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने बेटे को अपने पास लाने के लिए, क्योंकि बाहर वालों की तरह उसे भी यही लगता है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। नंदू,
तेरे इस गुस्से के पीछे कौन है ना, मैं जानती हूँ। तुझे भले ही बुरा लगे लेकिन मैं तुझे सच बता के रहूंगी। सच? कैसा सच और किसके बारे में? वसुंधरा आंटी के बारे में। मम्मा का सच? तू कहना क्या चाहती है मैत्री? बताती हूँ, तू बैठ। नंदू, वसुंधरा आंटी, उन्होंने पूरी लाइफ तुझे और आशीष को अलग करने की कोशिश की, फिर अचानक से वो इस रिश्ते के पक्ष में कैसे हो गई? इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। कि तेरा ख्याल रखना, तेरे भले के बारे में सोचना, ये सब आंटी का दिखावा है नंदू। मैत्री, तू सुन भी पा रही कि तू क्या बोल रही है? तू पागल हो गई है क्या? नंदू, मैं वही कह रही हूँ जो मेरा आंखों देखा हाल है। मैं सच कह रही हूँ, वसुंधरा आंटी आज भी यही चाहती है कि तू और आशीष अलग हो जाए, और सैडली अब उनके लिस्ट में तेरी और मेरी दोस्ती भी आ चुकी है। वो यहाँ तेरे साथ इसीलिए रुकी है ताकि 2400 घंटे तुझे भड़का सके मेरे और आशीष के खिलाफ। नहीं मैत्री, मेरा मतलब है तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है मम्मा के बारे में? तू सच कह रही है? प्रूफ है मेरे पास, ये देख। नंदिश की क्लास टीचर जानती थी कि मैं नंदिश की मासी हूँ, गार्डियन। वो जानती थी कि तू उसकी माँ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये तुझसे कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। किसके कहने पे? वसुंधरा आंटी के लालच देने पे। वसुंधरा आंटी ने कहा था उससे झूठ बोलने के लिए। ये देख, ये उस क्लास टीचर के मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट है जिससे वसुंधरा आंटी ने मैसेज किया था। नो वे मैत्री, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तू सच बोल रही है क्या? तुम्हारी दोस्ती की कसम नंदू, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी ने तुझे और आशीष को लड़ाने के लिए ये प्लान बनाया था, और देख वही हुआ। तुम लोग पीटीएम के लिए गए थे और देखो रास्ते पे कैसे लड़ रहे थे। थैंक यू सो मच मैत्री, मुझे ये सच दिखाने के लिए। लेकिन एक एडवाइस मैं भी तुझे देना चाहती हूँ। तेरी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है ना, तो उसे बंद करके तू नॉवल लिखना क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? क्योंकि झूठी कहानियां बनाने में तू बहुत एक्सपर्ट है यार। नंदू, मैंने तुझे स्क्रीनशॉट दिखाया, तुझे अब भी लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि बोल रही है तो झूठ, क्योंकि तू किसी का भी नंबर मेरी मम्मा के नाम पे सेव करके मुझे दिखा सकती है, ये दिखाने के लिए कि तू मेरी और आशीष की कितनी फिक्र करती है। ये झूठी कहानी बनाई है तूने, ये इसलिए बनाई है कि ताकि तू मुझे दिखा सके कि मेरी मॉम कितनी गलत है और तू कितनी सच्ची। मैत्री, अगर भगवान भी आके कहेंगे ना कि मेरी मम्मा गलत है, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगी। क्योंकि इन 6 सालों में सिर्फ मेरी मम्मा ही थी मेरे साथ जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे कोमा से बाहर निकाला, समझी? इसलिए दोबारा मेरी मॉम पे झूठे आरोप कभी भी मत लगाना। नंदू, नंदू, आंटी के बहकावे में आके तू खुद आंखों देखा सच नहीं देख पा रही है। मुझे ये बात आशीष को बतानी होगी। What? फिर से? हाँ आशीष, उस क्लास टीचर ने मुझे खुद वसुंधरा आंटी का मैसेज दिखाया है, और इन 6 सालों में हम दोनों की तस्वीरें मैंने नंदू के फोन में देखी। इसका मतलब वसुंधरा आंटी ने हम पे नजर रखवाई थी। और चोरी छिपे हमारी फोटोज क्लिक करवाई और नंदू को दिखाई, और ऑब्वियसली नंदू को हमारे बारे में उल्टा सीधा बोला होगा, जिससे नंदू को हमें लेकर गलतफहमी हो।
आशीष, वसुंधरा आंटी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। इतने सालों में वो जरा भी नहीं बदली है। उनका मकसद अभी तुम्हें और नंदू को अलग करना है। बस बैड न्यूज ये है कि इस बार नंदू उनके साइड पे है। इन 6 सालों में उन्होंने नंदू का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया है। नंदू के वापस आने के बाद उसके नेचर से, उसके बिहेवियर से मुझे समझ जाना चाहिए था कि वसुंधरा राठौड़ का गेम क्या है। थैंक यू मैत्री, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं बता देगा तो वसुंधरा राठौड़ के जाल में फंस के मैं दोबारा अपनी नंदिनी को खो देता। फिर बस बहुत हो गया। वसुंधरा राठौड़, इन्हें तो मैं बताता हूँ। आशीष नहीं, रुको, नहीं। अरे वो यही तो चाहती है। तो क्या करूं मैत्री, चुपचाप खड़ा रहूं, कुछ नहीं करूं? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हम उन्हें जवाब देंगे, लेकिन लड़के नहीं। आशीष, तुम जितना वसुंधरा आंटी से लड़ोगे, नंदू उतना ही तुमसे दूर जाएगी। मैं गई थी नंदू के पास वसुंधरा आंटी का सच बताने, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें किसी तरह से वसुंधरा आंटी को नंदू की लाइफ से आउट करना होगा।